अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा चाट। ये बहुत आसान तरकीब है। इसके लिए मैंने पैन में तकरीबन 4 चम्मच के करीब ऑयल डाल के रखा हुआ, गरम किया हुआ है, और एक प्याज मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई है, ये देखें। तो ये प्याज मैं पैन में डाल लूँगी। और इसमें हम निहारी मसाला डालेंगे। तो मेरे पास एक पैकेट पहले से खुला हुआ है, इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब मसाला है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। हमें नमक एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। अदरक लहसुन का मैंने पाउडर लिया है आधी आधी चम्मच, आप पेस्ट भी ले सकते हैं। और इसमें कम से कम 2 चम्मच मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। और इसको मध्यम आंच पे हम भून लेंगे मसाले को। प्याज हमारी पहले से फ्राई है और अदरक लहसुन हमने पाउडर फॉर्म में डाला है, तो उसके कच्चेपन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मसाले को हम भून लेंगे। इसमें हम कम से कम 1 से 2 चम्मच पानी और शामिल करेंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। एक कप चने मैंने उबाल के रखे हुए हैं, इसमें 3 पिंच मैंने नमक डाल दिया था उबलते हुए पानी में। और ये फ्रीज़र में रखे हुए थे, आप इस तरह से उबाल के रख लें तो ये आपके काम आ जाएंगे। इंसान है, कोई इमरजेंसी में भी पकाना पड़ता है, तो आपके पास एक ये अच्छी सहूलत है कि आपने फ्रीज़र से निकाले और झटपट बना लिए। ये देखें, इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, ये इसमें डाल रही हूँ मैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए एक गिलास पानी बहुत है। अब इसे हम पकाएंगे इतना कि चने बहुत अच्छे से गल जाएं। ये जबकि पहले से उबले हुए हैं मगर इसे हम और पकाएंगे। 4 कप उबले हुए आलू लिए मैंने, इनको छील लिया है। ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। धनिया मैंने 2 चम्मच कटा हुआ लिया है, 2 चम्मच ही पुदीना कटा हुआ लिया है, और 3 हरी मिर्चें हैं बहुत बारीक काटी हैं मैंने। नमक बहुत थोड़ा डलेगा। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 चम्मच है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच काली मिर्चें हैं पिसी हुई, और सरसों के मेरे पास दाने हैं जिनको राई कहा जाता है, वो हम ऑयल में डालेंगे। और ये तमाम मसाले हम आलू में शामिल कर रहे हैं, ये हम ऑयल में डालेंगे। अब ये हरा मसाला भी हम डाल देंगे आलू में। और आलूओं को मैश कर लेंगे। ये हमारे समोसों की स्टफिंग है। और इनको सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। आलू बहुत ज़्यादा मैश नहीं करने हैं, छोटे छोटे से पीस इस तरह से नज़र आ रहे हैं ऐसे ही आपको भी रखने हैं। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। और ये जो राई हमने ली थी ये हम ऑयल में डाल देंगे। और ये जब तक अच्छे से कड़कड़ा नहीं जाती जब तक हम इसमें अपनी स्टफिंग नहीं डालेंगे। ये देखें, आपको दिख रहा होगा
तकरीबन 1 मिनट लगेगा और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी जब हम इसमें ये जो आलूओं की स्टफिंग हमने बनाई है ये इसमें डाल देंगे। और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू पहले से ही उबले हुए हैं तो ज़्यादा हमें इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है। भैया 1 से 2 मिनट ही भुनेंगे और इसे हम बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखें ये चने हो गए हैं, क्योंकि ये पहले ही से उबले हुए हैं तो इन्हें 10 से 15 मिनट लगे हैं बस पकाने में। और इसमें हम 3 चम्मच दही शामिल करके और इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए ज़्यादा इसमें ग्रेवी भी हमने नहीं बनाई है, बस ये हल्के हल्के ढीलापन है इसमें। और जब ये ठंडे होंगे तो ये और गाढ़े हो जाएंगे। बस ये ऐसे ही हमें चाहिए। ये हमारे तैयार हो गए हैं, ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब हम समोसे की पेटी की तरफ आते हैं। 2 कप हमने मैदा लिया है, 1 चम्मच इसमें हमने नमक डाला है और 2 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। इनको मिक्स करेंगे और 1 कप हमने पानी लिया है। इस आटे को हम गूंद लेंगे और ये सख्त आटा गूंदेंगे। ये देखें आटा हमारा गूंद गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट के बाद हम मिलते हैं। ये 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। और छोटे छोटे से पेड़े बना के हम इनको बेल लेंगे। बस हमारी हथेली से बड़ा ये बन जाना चाहिए। मैं आपको एक बेल के दिखाती हूँ। ये देखें बस इतनी ही गोल सी हमें रोटी चाहिए। अब ये जो हमने अपने आलू की स्टफिंग तैयार की हुई थी ये हम 1 चम्मच लेंगे और एक तरफ लगा देंगे रोटी के और दूसरी तरफ हमने खुली छोड़ दी है। अब देखें उंगली की मदद से इस पे रोटी पे हम चारों तरफ पानी लगाएंगे हल्का हल्का सा, ताकि जब हम इस रोटी को फोल्ड करें तो ये आपस में चिपक जाए। ये इस तरह से इसे हम फोल्ड कर देंगे। ये देखें ये आपस में चिपक जाएंगी और इसको हम उंगली की मदद से दबाकर एक फोक लेंगे हम और इस तरह से हम इन पे निशान डाल देंगे। तो ज़रा ये खूबसूरत लगेंगे। ये देखें ये इस तरह से निशान आ जाएंगे इनमें और ये प्रेस भी हो जाएंगे। तमाम समोसे हम ऐसे ही डिज़ाइन के तैयार करेंगे। ऑयल हमने गर्म कर लिया है और ये समोसे हमारे तैयार हैं। इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे, एक एक रखते जाएंगे हम।
इन्हें हमें मध्यम आंच पे से फ्राई करना है। फ्लेम हमारा तेज़ नहीं होना चाहिए। वक्फे वक्फे से हम इन्हें पलट के देखते रहेंगे कि ये केक कितने ब्राउन हुए हैं। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेटर में। ये देखें कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ये तमाम सिक गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे। ये देखें ये हमने निकाल लिया, ये दूसरा भी निकाल लेंगे हम। अब इन्हें हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। और ये देखें तैयार हो गए। चने भी हमारे ठंडे हो गए हैं। हमने दो प्याज बहुत बारीक काट ली हैं, आधी बंद गोभी है ये इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक काटी है, और समोसे हमारे तैयार हैं। अब आते हैं इसकी चटनी की तरफ। चटनी के लिए हमने 1 कप दही ली है, उसमें 2 पुदीने की डंडी डाली हैं, 2 चम्मच इमली का पेस्ट है, 2 चम्मच हमने चावो डाली है चाट मसाला है, और 2 हरी मिर्चें डाली थी हमने इसमें। ये समोसे लगाए हमने पहले प्लेट में, और ये चने डाले, इस पे से हम प्याज डाल देंगे थोड़ी थोड़ी। ये गोभी भी हम लगाएंगे इस पे। और ये जो हमने चटनी तैयार की है ये भी हम डाल देंगे। और अगर आप चाहते हैं इसको और खट्टा मीठा करना तो आप इसके ऊपर टमाटो केचप भी सर्व कर सकते हैं इस तरह से, कि ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी लगेगा आपको। ये देखिए हमारी प्लेट तैयार हो गई है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।